166 के स्कोर पर पूरी श्रीलंका की टीम वापस पहुंच चुकी है। हमने देखा जब से मैच की शुरुआत हुई कंप्लीटली डोमिनेंस दिखाई दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बोलर्स का। शाहिद शाह अफरीदी की बात कर ले, नसीम शाह की बात कर ले, उसके बाद अबरार अहमद। तो जिस तरीके से कैप्टनसी भी बाबर आजम ने की, लगातार चेंजेस भी हमें देखने को मिले और कोई मौका श्रीलंका के बैटर्स को नहीं दिया कि आप एक भी समय आकर के। लेकिन आपको यहाँ पर बाबर की कप्तानी की, बिल्कुल, इन तीन आपके खिलाड़ियों की बॉलिंग की यहाँ पर जरूर तारीफ कर लो। पाकिस्तान ने बंडल आउट कर दिया श्रीलंका को, 166 ऑल आउट, बंडल आउट में बंडल बना दिया, बंडल बना दिया भैया, मतलब बंडल करके और समेट दिया है कोलंबो में। मतलब श्रीलंका को श्रीलंका में आप कह सकते हैं उनके साथ कंपीट करना एक बड़ी बात होती है। पार्टनरशिप बनना पड़ी थी वहां पे चांडीमल और धनंजय डिसिल्वा के बीच, वहां पर एक विकेट जैसे ही आया फिर तो ऐसा लगा कि ताश के पत्तों की तरह श्रीलंका की पारी जैसे बिखरती है, वैसे ही बिखरती हुई नजर आई। समीक्रम, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका दूसरा टेस्ट आज पहला दिन था। पाकिस्तान ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 166 रन्स पर पूरी श्रीलंकन टीम को उन्हीं के घर में आउट क्लास करते हुए 166 रन्स पर आउट कर दिया है। पूरी श्रीलंकन इनिंग में सिर्फ एक धनंजय डिसिल्वा ही थे जिन्होंने 50 स्कोर की है, उसके अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे टिक सका हो। जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है पाकिस्तानी स्पिनर्स और पेसर्स की तरफ से। नसीम शाह ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए तीन खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि इब्रार अहमद ने अपनी घूमती हुई गेंदों पर पूरी श्रीलंकन टीम को घुमाए रखा, चार खिलाड़ी आउट किए, जबकि शाहिद शाह अफरीदी के हिस्से में भी एक विकेट आई। टोटल 48 ओवर्स खेले गए श्रीलंका की तरफ से, 166 पर पैक हो गए वो अपने पवेलियन लौटे। और इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग भी जारी है और एक जबरदस्त किस्म की बॉलिंग और फील्डिंग देखने को नजर आई। खासकर कैप्टेंसी की अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने जबरदस्त कैप्टेंसी की। वो जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बाबर आजम पर सवाल उठाते थे, उन्हें बाबर आजम ने अपनी इस कैप्टेंसी से मुंह तोड़ जवाब दिया। सिर्फ एक पार्टनरशिप जो कि तकरीबन 85 रन की पार्टनरशिप थी, पांचवी विकेट के लिए वो बन पाई। इसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं थी जो पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक सकी हो। और इस सारे मामले पर अब चूंकि कल पाकिस्तान ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी इमर्जिंग एशिया कप में, आज का दिन भी पाकिस्तानी क्रिकेट के नाम रहा और इस वक्त तारीफें ही तारीफें मिल रही हैं हर तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, चाहे वो छोटे बच्चे हों एशिया कप के या फिर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम हो। और भारत के मीडिया की जुबानी आपको आगे चलकर सुनाएंगे कि इस वक्त भारत में क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तानी टीम की इस कारकर्दगी को लेकर, जिसे सुनकर लाजमी तौर पर आप महसूस होंगे कि पाकिस्तान के बच्चे हों या फिर सीनियर टीम, कामयाबी के झंडे हर तरफ गाड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से शुरुआत की थी पाकिस्तानी बोलर्स का, वही दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। सेकंड सेशन में अबरार अहमद ने श्रीलंका के बैटर्स में तबाही मचा करके रख दी और मात्र 166 रन बना पाए श्रीलंका के बैटर्स। उम्मीद थी शायद एक बार फिर से धनंजय डिसिल्वा का बल्ला चलेगा, लेकिन इस बार वो भी कुछ नहीं कर पाए। 166 के स्कोर पर पूरी श्रीलंका की टीम वापस पहुंच चुकी है। हमने देखा जब से मैच की शुरुआत हुई कंप्लीटली डोमिनेंस दिखाई दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बोलर्स का। शाहिद शाह अफरीदी की बात कर ले, नसीम शाह की बात कर ले, उसके बाद अबरार अहमद। तो जिस तरीके से भी बाबर आजम ने किया, लगातार चेंजेस भी हमें देखने को मिले और कोई मौका श्रीलंका के बैटर्स को नहीं दिया कि आप एक भी समय आकर के वापस ही कर लीजिए। और आठ विकेट जब जा चुके थे उसके बाद लगा था कि शायद ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, लेकिन हमने देखा रमेश मेंडिस ने थोड़े बहुत रन नीचे से आकर कर दिए। उनकी बदौलत थोड़ा सा ठीक ठाक, एक सम्मानजनक तो नहीं कहेंगे इसे, पर बहुत ज्यादा खराब स्कोर होने से बच गया। 166 तक पहुंच पाई है श्रीलंका की टीम आखिरी में आकर के इतना खराब, मतलब शुरुआत से ही आपने कोलैप्स देखा, लेकिन एक भी मोमेंट श्रीलंका को रहने नहीं दिया। श्रीलंका की बैटिंग देखकर पाकिस्तान की बॉलिंग देखे तो शुरू से ही पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के ऊपर हावी थी। आपने जिस तरीके से शुरुआत करी थी पहले सत्र में ही, वहीं पर ही आपने श्रीलंका के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दिया था कि एक तरह से वो पैनिक कर चुके थे। चार विकेट जब ले ली थी पहले सेशन में और फिर वहां पर जब दूसरे सेशन में दिनेश चांडीमल का वो जो विकेट लिया ना, उस समय पर वो क्रूशियल मोमेंट पर वो जो विकेट आया, पार्टनरशिप बन रही थी वहां पे चांडीमल और धनंजय डिसिल्वा के बीच, वहां पर एक विकेट जैसे ही आया फिर तो ऐसा लगा कि ताश के पत्तों की तरह श्रीलंका की पारी जैसे बिखरती है, वैसे ही बिखरती हुई नजर आई। और दाद देनी होगी यहां पर पाकिस्तान की गेंदबाजी की, नसीम शाह की, खास करके जिस तरीके से उन्होंने वापसी करी। देखिए पिछली पारी में उनके खाते में एक विकेट नहीं, एक भी विकेट नहीं थी। आज जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में शुरुआत उन्होंने करी, तीन, आई थिंक दो या तीन विकेट उन्होंने लिए। और खास करके एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को नॉर्मली कहा जाता है कि क्वालिटी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखें तो अबरार अहमद की अगर हम बात करें कि अबरार अहमद ने जिस तरीके से बॉलिंग करी वहां पे, तो ये जो बात है कि सेशन में अबरार अहमद जरूर, शुरुआत का दिन हम क्या देख रहे हैं, शुरुआत का दिन हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, वहां पर पाकिस्तान की टीम आपके लिए आज पहले फ्लैट ट्रैक, एक तो फ्लैट ट्रैक के ऊपर आपके लिए क्वालिटी बॉलिंग की नसीम शाह और शाहिद शाह अफरीदी ने, उन्होंने वहां पर अच्छी लाइन और लेंथ को पकड़ के रखा, अच्छी लाइन और लेंथ आपकी रही। दूसरे सेशन में जब चारू और मैं भी बीच में बात कर रहे थे लंच ब्रेक के अंदर, यही हमारा सवाल था कि भाई आप लोग क्या प्लान लेकर आओगे धनंजय डिसिल्वा के लिए, क्योंकि श्रीलंका के लिए अभी तक भाई धनंजय डिसिल्वा के अलावा किसी बैटर ने तो खेलने का मन भी नहीं किया। धनंजय डिसिल्वा भी आप देखो भाई अपनी विकेट थ्रो करके
गया। एकमात्र बल्लेबाज आपका चला, उसने भी आगे बढ़कर पता नहीं भाई तुझे क्या जरूरत पड़ी है अबरार अहमद के आगे खेलने की। लेकिन यहाँ पर आया पाकिस्तान का प्लान, उन्होंने इसको फंसाया फील्ड सेटअप के साथ। उनको पता था रणजी डिसिल्वा शायद बैटिंग की टेक्निक में गलती ना करे, उन्होंने उसके सामने फेंके हल गए भाई आगे बढ़ के लगा चौके। उसी ओवर में अबरार अहमद को पहले छक्का लगाया था, छक्का लगाने के बाद किस तरह से भाई शौदा इनके साथ अबरार अहमद, शाहिद अफरीदी और नसीम शाहिन के अलावा एक नाम मैं जरूर कहूंगा भाई आज शान मसूद, दो रन आउट, दोनों डायरेक्टेड। पहले वाली बहुत मुश्किल थी, दूसरे वाली दिमाग के साथ। पता था जो नॉन स्ट्राइक एंड पे बैठा है वो कुछ ज्यादा गलत कॉल था, रमेश मेंडिस का गलत कॉल था, रमेश मेंडिस का गलत कॉल था। जो नॉन स्ट्राइक एंड का बैटर है वो कुछ ज्यादा पास नहीं था, उसको पता था बहुत आराम से गेंद भी टप्पा खाकर वहां पर गई, अबरार अहमद ने भी उसको जाने दिया। तो श्रीलंका अपनी गलतियों के कारण जरूर यहाँ पर आउट हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर बाबर की कप्तानी की, इन तीन आपके खिलाड़ियों की बॉलिंग की यहाँ पर जरूर तारीफ करनी होगी। पाकिस्तान ने बंडल आउट कर दिया श्रीलंका को, 166 ऑल आउट, बंडल आउट में बंडल बना दिया, बंडल बना दिया भैया, मतलब बंडल करके और समेट दिया है कोलंबो में। भाई देखो श्रीलंका को, श्रीलंका में आप कह सकते हैं उनके साथ कंपीट करना एक बड़ी बात होती है, पाकिस्तान इज ह्यूमिलेटिंग देम। सही बात है, आपने जनरल मतलब दो सेशन में पैक कर दिया और ये कोई चौथे पांचवें दिन का विकेट नहीं था, इसमें कोई बोलर्स के लिए असिस्टेंस नहीं थी। कौन सी सारे विकेट स्पिनर ने लिए हैं? एक 20 साल का लड़का है भैया, बात में शुरुआत दिया। पहले आपने शान मसूद की जबरदस्त रन आउट, हमने पिछले टेस्ट मैच में क्या देखा था, बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट्स, कैचेस आपने कितने जबरदस्त देखे थे। आज भी अगर आप देखो जैसा आपने भी कहा, बाबर की एक प्रेजेंस ऑफ माइंड विद हिज कैप्टनसी, और दूसरी चीज चाहे नसीम शाह की आप गेंदबाजी देखो, नसीम शाह को फर्स्ट चेंज कर दिया था बाबर ने, देखो लगा फिर वही चीज होने वाली है जो हमने पहले टेस्ट में देखी थी। और नसीम को हटाकर आप अबरार को ले आए, अबरार शुरुआत की अगर आप उसके 5-10 ओवर देखो तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि अनइफेक्टिव लग रहा है। उसके बाद बाबर ने डिफेंसिव फील्डिंग भी शुरू कर दी थी, उसने एक लॉन्ग बॉल भी पीछे भेज दिया था। सब यही सवाल कर रहे थे कि भाई बाबर आजम की कप्तानी को क्या हो गया, बट जैसे ही आप सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाते नसीम शाह ने पहला विकेट ले लिया। नसीम शाह पता टेस्ट क्रिकेट में 4 साल पुराना, कोई इस चीज को बिलीव नहीं करेगा, 20 साल का इससे ज्यादा टैलेंटेड फास्ट बॉलर है दुनिया में कोई, 20 साल का एट 20 इयर्स ऑफ एज, 20 साल का लड़का जितने भी सवाल थे, दिस इज द बेस्ट आई हैव सीन बाबर आजम एज अ कैप्टन। मैंने रेड बॉल क्रिकेट में इससे बेटर कैप्टनसी उसकी तरफ से देखी नहीं है, नहीं देखी। भैया आज भी लग रहा है केन विलियमसन ऑपरेट कर रहा है, सही बात, केन विलियमसन को आपने सबसे अनकन्वेंशनल फील्ड सेट करते हुए, लेकिन आकाश जल्दबाजी होगी, लोग ये कहेंगे अभी क्योंकि भाई ठीक है श्रीलंका सामने है, उनके होम पिचेस है, सब कुछ है, आपने हरा भी दिया और डोमिनेट कर रहे हो, जब ये सामने ऑस्ट्रेलिया आएगी, जब ये सामने इंग्लैंड आएगी, जब ये सामने इंडिया आएगी, तब आपका रियल टेस्ट होगा। बिल्कुल आपने पिछले साल क्या किया वो पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैरिड अवे नहीं होना है, लेकिन आपको अर्ली इंप्रेशंस तो दिख जाते हैं। बिल्कुल मैंने बाबर आजम को ना इससे बेहतर कप्तानी करते हुए, उनके मूव्स भैया मैं कह रहा हूं कि अबरार एक एंड से पिट रहा है, जैसा कि आपने मेंशन करा 10 से 12 ओवर तक उसने 4 के एवरेज से रन दिए, वो पिटाई खा रहा है, धनंजय सेट हो गया और आपका चंदीमल सेट हो गया, आपको लग रहा है ले भाई ये तो गोल्ड टेस्ट वाले रिपीट हो रहा है, ये पार्टनरशिप लग रही है। आपने शाहीन जो फ्लैट देख रहे थे, शाहीन चौके खा रहा था, शाहीन आपने नसीम को लायो, नसीम आता राउंड द विकेट, शॉर्ट बॉल स्टफ, आपने लेग साइड में 3 बंदे पैक करे।